हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोटिव राशिद में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं महिंद्रा की एक ऐसी गाड़ी जो स्कॉर्पियो के बाद सबसे ज़्यादा हर साल सेलिंग में रहती है, अभी भी बहुत ज़्यादा सेलिंग में चल रही है। V6 मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल जिसको बोलते हैं। तो ये है कुछ इसकी फ्रंट लुक, और इसमें 1500 cc का इंजन आता है, 1493 cc का, और कुछ ऐसी इसकी चाबी है, फ़िलिप की आती है इसमें, पीछे महिंद्रा का लोगो है, ये फ़िलिप की है। इसकी एक रिमोट की भी आती है, बट वो अभी एजेंसी वालों ने दी नहीं है। गाड़ी को लिए कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं, बट अभी इसकी रिमोट की आई नहीं है। तो ये कुछ इसका फ्रंट लुक। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलोजन रिफ्लेक्टर लाइट्स मिलती हैं, टर्न इंडिकेटर, और ये सिर्फ ब्लैक सा हाउसिंग दे रखी है, इसमें कोई लाइट नहीं है। इसके टॉप मॉडल में इस जगह पर जिस साइड मतलब स्टेयरिंग घूमती है उस साइड की लैंप आते हैं, और इस साइड भी आता है, दोनों साइड ब्लैक हाउसिंग दे रखी है। इस साइड का ये टर्न इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स, नीचे फॉग लैम्प कंपनी से नहीं आते हैं, ये आफ्टर मार्केट लगवाए, एक्सरीज का पार्ट है। तो आगे इसमें ये लगाए डिफ्यूज़र, इस पर बुलेरो लिख रखा है, ये भी आफ्टर मार्केट लगवा रखा है। ये जितने भी क्रोम के पार्ट दिख रहे हैं ये सब एक्सरीज के पार्ट हैं। तो कुछ ऐसी है फ्रंट लुक, आगे से तो बहुत अच्छी लगती है। दिखते हैं साइड लुक, इसमें 15 इंच के टायर आते हैं, जिसकी प्रोफाइल है 215/75 R15, व्हील कवर के साथ आते हैं, और साइड मिरर पे कोई टर्न इंडिकेटर नहीं है, टर्न इंडिकेटर फेंडर पे दे रखा है, साइड मिरर पे क्रोम दे रखी है, क्रोम मतलब बाहर से लगवाई है। ब्लैक कलर के इसके डोर ओपनर आते हैं, इसके ऊपर क्रोम लग रखी है, यहाँ पे नीचे दे रखा है फुटरेस्ट चढ़ने के लिए, ऊपर रूफ रेल्स, ये भी आफ्टर मार्केट लगा रखी हैं, और ये रेन वाइज़र, सारी चीज़ ने भी इसमें एक्सेसरीज़ की पार्ट लग रखे हैं, सारी चीज़ें बाहर से लगवा रखी हैं। तो चलते इसके रियर लुक में, तो पीछे से महिंद्रा बोलेरो कुछ ऐसी लगती है, और काफ़ी बढ़िया है। 6-7 महीने इसको चलाते चलाते हो गए हैं, इससे मतलब कुछ ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे कोई मतलब वाइपर नहीं मिलता है, वाइपर मिलता है टॉप मॉडल में, V6 ऑप्शनल नाम से आता है जो। यहाँ पे स्टेपनी का कवर है, इस पर बोलेरो की वेजिंग दे रखी है, महिंद्रा का लोगो, नीचे बम्पर गार्ड लग रखा है, यहाँ पे बैक फुटरेस्ट लग रखा है। तो ऐसी है कुछ रियर लुक, काफ़ी बेहतरीन लगती है। ऊपर ये स्पॉइलर लग रखा है। चलते हैं इसके इस साइड लुक दिखाते हैं। सेम दोनों साइड लुक है, 15 इंच के टायर दे रखे हैं, टायर तो वैसे काफ़ी बड़े हैं, गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़े हैं, ऑफ रोडिंग में भी ये टायर काम आते हैं। इस साइड ये फुटरेस्ट। तो चलिए अब इसका इंजन खोल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दे रखा है नीचे बोनट ओपनर, यहाँ से बोनट खोल दिया है। तो ये है महिंद्रा बोलेरो का इंजन, 1493 cc का इंजन है, जो कि 75 bhp की पावर जनरेट करता है, और डीजल इंजन है, काफ़ी बड़ा इंजन है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका इनिशियली पिकअप तो बहुत बेहतरीन है, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन ये गाड़ी आती है। तो चलिए अब दिखाते हैं इसका फ्यूल टैंक। यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपनर भी दे रखा है। यह फ्यूल टैंक 60 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक है। तो यही है कुछ। तो चलते हैं अब गाड़ी के इंटीरियर में और दिखाते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर दे रखे हैं, कैसा इंटीरियर है। चलो चलते हैं। तो बाहर काफ़ी शोर था, अब आ चुके हैं अंदर, शायद अब थोड़ा सा नॉइज़ कम हुआ होगा। तो यह कुछ इंटीरियर, यहाँ पे 4-spoke स्टेयरिंग व्हील दे रखा है, जिसके ऊपर महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे हॉर्न, इसमें एक एयरबैग है,
और एक एयरबैग इस साइड है। पहले के बुलेरो में सिर्फ एक एयरबैग आता था सिर्फ स्टेयरिंग पे, इस साइड हैंडल आता था पकड़ने के लिए। दो एसी वेंट बीच में, एक एसी वेंट यहाँ पे, एक एसी वेंट उस साइड। मैनुअल एसी, थ्री स्पीड फैन वाली एसी है, हीटर भी एसी में। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह, 2 कप होल्डर्स और चारों पावर विंडो यहाँ पे दे रखी है। आगे के गेट पे कोई पावर विंडो नहीं दे रखी है। यहाँ पे भी कुछ स्पेस, सीट का भी कंफर्ट अच्छा खासा है, मतलब इतना नहीं है क्योंकि अब उसी हिसाब की गाड़ी है, देसी गाड़ी है ये बोलेरो, तो उस हिसाब का इतना अच्छा कंफर्ट नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही है। और ये ग्लव बॉक्स, अच्छा खासा ग्लव बॉक्स भी है। तो चलो लगाते हैं इसका, इग्निशन ऑन करते हैं और दिखाते हैं। अभी शाम हो चुकी है तो शाम में देखते हैं इसका इग्निशन का व्यू कैसा आता है। तो वही बेसिक जो बोलेरो में आता रहा है शुरुआत से, यहाँ पे ये डिजिटल पूरा मतलब सिस्टम दे रखा है। इसमें ये आरपीएम मीटर है, यहाँ पे ये फ्यूल गेज बताता है और यहाँ पे कितनी चल रखी है गाड़ी वो बताता है। 3098 किलोमीटर चल रखी है। यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर बताता है, इनसाइड टेम्परेचर। यहाँ पे इसमें टाइम भी दिखाता है, इसमें टाइम दिखाता तो है पर अभी तो नहीं दिखा रहा है, देखते हैं दिखाता है इसमें टाइम। इसमें हाँ दिखा रहा है, 6:07 और के 19 फरवरी। तो चलते हैं अब इसके बैक साइड में। हाँ एक चीज़ और, ये दे रखा है डे और नाइट ORBM। यहाँ पे सन वाइजर, इस पर कोई टिकट होल्डर या ग्लास नहीं दे रखा है। इस साइड भी एक, इस पर भी कोई टिकट होल्डर या ग्लास नहीं दे रखा है। यहाँ पे माइक, यहाँ पे हेलोजन लाइट, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये वो वाला है जो ट्रैफिक में खड़ी हो जाए गाड़ी जिसको क्लिच दबा के बंद हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है फ्यूल बचाने के लिए। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं बोलेरो की बैक साइड सीट्स। तो ये है पीछे का गेट, जिसमें गेट पे दे रखा है पावर विंडो खोलने का, डोर लॉक अनलॉक का स्विच और डोर ओपनर। यहाँ पे दे रखा है फुट रेस्ट, तो इस पर चढ़ के चलते हैं अंदर। तो ये है कुछ पीछे वाली सीट, देख सकते हैं आप, इसका भी कंफर्ट अच्छा खासा है। इस सीट पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं, पर उतना कंफर्ट फील नहीं हो पाएगा, कुछ लेग रूम इतना है, अच्छा खासा है। ड्राइवर सीट मेरे हाइट के एडजस्टमेंट फिट है, तो इस हिसाब से लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा बच रहा है। यहाँ पे बीच में कोई इतना ऊंचा डंप तो नहीं है। और ये जो सीट कवर में इसका एक पॉकेट है, सीट्स में भी आती है बट ये सीट कवर में भी है। और ये बेज कलर की पूरी रूफ दे रखी है। अब चलते हैं लास्ट रो में और दिखाते हैं। तो यह है लास्ट रो, जिसमें 2 सीट दे रखी हैं सामने सामने, एक सीट पे एक ही बंदा बैठ सकता है। अगर एक सीट पे 2 बंदे बैठाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, गेट लगाने में भी दिक्कत होगी। यह है पीछे का गेट, डोर लॉक अनलॉक करने का स्विच, डोर ओपनर, ग्रैब हैंडल, करते हैं इसको बंद। और यहाँ पे दे रखे हैं पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एक इस साइड एक इस साइड। यहाँ पे दे रखा है नंबर प्लेट लगाने का प्लेट, उसके नीचे दे रखी लाइट। तो यही थी कुछ वीडियो की, पूरी बोलेरो की पूरी बैकग्राउंड रिव्यू। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मेरे चैनल को ऑटोमोटिव प्रासिद को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।